हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अश्विनी। आज हम फॉलोअप वीडियो कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने एक गायनेकोमास्टी सर्जरी की थी, आज इनका ड्रेसिंग रिमूवल है। तो हाथ दोनों पे ऊपर कर लो, ये हमारा ड्रेसिंग रहती है, थोड़ी कंप्रेशन ड्रेसिंग है, थोड़ा स्किन को टाइट से पकड़ लेती है, तो हल्का फुल्का अगर कहीं से ब्लीड है तो इसमें रुक जाता है। ये आपकी आराम से आप अपना घर पे भी निकाल सकते हैं। हल्का सा प्रेशर स्किन पे देना है, उसको अपने निकाल दिया, ठीक है। ऐसे आराम से हमें ड्रेसिंग निकल जाती है। ये इनका फर्स्ट डे का रिजल्ट है। चेस्ट इनका काफी खुला हुआ था दोनों साइड्स में, हम बिल्कुल अपना बराबर हो गया है, ठीक है। वो स्कार आपको दूर से देखने से पता नहीं चलेगा, निपल के अंदर ही एक पतला सी वेन आती है, पर या फिर इसे 3-4 महीना और हीलिंग का हो जाता है तो ये जो आपका डार्क कलर है स्किन का और निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स का, उसी के साथ ही मैच हो जाता है कलर। तो दूर से देखने से इतना पता नहीं चलेगा कि कोई कट है, ठीक है। अब इनको करना क्या है कि कुछ दिनों में, 2-3 दिन वेट करके नारियल तेल से इनकी मसाजेज होंगे चेस्ट की। आपके लिम्फैटिक मसाजेस हम कैसे करते हैं एक बार हम उसका आइडिया देते हैं आपको। हाथ हम दोनों ऊपर रखो, तो हमारे जो चेस्ट एरिया रहता है इसके जो लिम्फैटिक ड्रेनेज है वो हमारी आर्मपिट्स में रहती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये हमने आर्मपिट की तरफ मसाज करते हुए जाना है, ठीक। हल्के हाथ से स्टार्ट करेंगे अभी कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रेशर दे के ये अपना ऐसे। तो आपके 4 स्ट्रोक्स हो गए बेसिकली, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट और ये साइड वाला एरिया, ठीक है। अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट और ये साइड वाला एरिया, एवरीथिंग हैज टू बी ट्रेन टुवर्ड्स द आर्मपिट। ये आपको सुबह शाम करने हैं मसाजेस। ये आपके जो एरिया है जिसपे लाइपोसक्शन होता है वो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, अगले 2-3 हफ्ते में बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट हो जाएगी चेस्ट एक बार। तो ये आपके जो लिम्फैटिक मसाजेस हैं ये आपके चेस्ट को वापस सॉफ्ट करने में जल्दी हेल्प आउट करते हैं, तो दीज आर अ वेरी नेसेसरी थिंग, ठीक है। तो ऐसे ही आपने मसाजेस अपने सुबह शाम करते रहने हैं जब तक एरिया अपना सॉफ्ट नहीं हो जाता। दूसरा इनका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है इनको, ये आप कल से ही स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी आप एक्सरसाइज थोड़ा स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देते हैं उतना जल्दी आपकी रिकवरी हो जाती है। स्टिचेस खुलेंगे नहीं, उसके लिए अपन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टिचेस आपके हम 2-3 लेयर में बंद करते हैं तो उसमें कोई भी एडहेसिव होने का चांस कुछ नहीं है, आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। हाथ ऐसे करो, ऐसे ऊपर ले जाओ और ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, ठीक है। ये जो आपके कान है ये अपने आर्म्स में टच होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपने 15 से 20 मिनट के लिए एवरी 6 आवर भी आपको एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करते रहनी है फॉर अ वीक्स टाइम। उसमें आपके पूरा पूरा एरिया अच्छे से खुल जाता है, ठीक है। अब जल्दी अपना काम ना अपना जल्दी शुरू कर सकते हैं, ठीक नीचे। और जो तीसरी चीज है हमारा एक कंप्रेशन गारमेंट आता है जो इनको पहनना है अगले 4 वीक्स के लिए। तो ये हमारा कंप्रेशन गारमेंट है, इनकी जैकेट आ गई है, ये पहनो। फर्स्ट डे से आप लोग पहनना शुरू कर देंगे, इनकी ड्रेसिंग निकलेगी, उसके बाद कोई ड्रेसिंग नहीं होनी है। 3rd डे के बाद सीधा अपना गार्मेंट पहन सकते हैं। जैकेट आपकी आ जाती है, जो जैकेट है काफी कंफर्टेबल रहती है पहनने में, कॉटन की रहती है, समर्स में भी आप अपना आराम से गर्मियों में पहन सकते हैं, कोई खास इसका प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आपका जैकेट जो है, ये जो ऊपर चेस्ट वाला एरिया है इसको थोड़ा सा ही टाइटली प्रेस रखती है क्योंकि स्वेलिंग थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई आपकी रिकवरी में, एक आपके लिम्फैटिक मसाजेस हो गए, दूसरा आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई और तीसरा आपका कंप्रेशन काम है, ठीक है। ये आपको सब 3 चीजों का ध्यान रखना है। खाने में किसी तरह का भी परहेज नहीं रहता है सर्जरी के बाद, आपको नेक्स्ट डे से आपको जो खाना है आराम से अपना खा सकते हैं, ठीक है। जो स्टिचेस हैं वो आप डिसॉल्वेबल लगाते हैं, वो आपके 2 वीक्स में डिसॉल्व हो जाएंगे अपने आप, उनको निकलवाने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं, ठीक।
कैसा रहा आपका 2-3 दिन का एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम सर्जरी करा के अभी शेप देखिए कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। आप जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी, अब लग रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ ठीक है। तो भाई उनको मतलब उनके फ्रेंड्स थे, काफ़ी परेशान करते थे सर्जरी से पहले, उनकी शेप काफ़ी अजीब सी हो गई थी। तो आई थिंक अब इनका जो रिकवरी है उसको देख के ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, नाउ विल बी ओके विद इट। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे।